सो गाइस, आधार कार्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि यहाँ पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज, ये सारे चीज़ चेंज कर सकते हैं सिवाय आपके फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर के। इसलिए इसके लिए आपको आधार सेंटर जाना ही होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट, यानी ऑनलाइन अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड में होना चाहिए। इसके लिए आपको बायोमेट्रिक डाटा या फिर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको एनरोलमेंट सेंटर जाना ही जाना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम अभी नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस चेंज करने के लिए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा चीज़ सही से वर्क करे, सही से जानकारी मिले, तो गाइस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है एक और ऑप्शन, सेंट अपडेट रिक्वेस्ट चेक स्टेटस। यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं जो आपने रिक्वेस्ट दिया है। ठीक है, तो अभी कुछ भी आपको चेंज करवाना है तो इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। जो मेरा आधार नंबर है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होता है, तो कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और देखिए गाइस, मैं अपना आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर रहा हूँ तो ये एक अच्छा बात नहीं है, बट मैं यहाँ पर पूरा तरीके से बताऊँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आप कैसे आधार कार्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे कि आधार कार्ड चेंज करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे देखिए आसान कर दिया गया है, तो यहाँ पे अब गलतियाँ कुछ ज़्यादा भी होंगी। ठीक है, तो इससे पहले आप सावधान रहिएगा कि आपको क्या क्या चेंज करवाना है। तो जैसे ही आपके मोबाइल पे OTP आता है आधार सेंटर के द्वारा, तो वो आपको यहाँ पे OTP डालना है। तो इससे पहले मेरा OTP जो आया वो डाल के देखता हूँ, अभी तो फ़िलहाल OTP नहीं आया है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इनकरेक्ट प्लीज करेक्ट OTP डालने के लिए बोल रहा है। तो गाइस अभी तक हमारे पास OTP रिसीव नहीं हुआ है, जैसे OTP रिसीव होगा हम नीचे OTP फिल करेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम अपना आधार नंबर फिर से डाल कर देख लेते हैं। तो अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ, कैप्चा आपको करेक्ट डालना है। उसके बाद आपको एक सेंट OTP का मिलेगा ऑप्शन, सेंट OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP डालना है, डालेंगे 14, उसके बाद है 29, उसके बाद 63। यहाँ पे लॉगिन का एक बटन मिल रहा है, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपका पेज ऊपर की ओर चला जाएगा। अब नीचे देखिए, एड्रेस वैलिडेशन लेटर फॉर रेसिडेंट्स हु डू नॉट हैव वैलिड एड्रेस प्रूफ। जिसके पास वैलिड एड्रेस नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो यहाँ पर आप क्लिक करके कोड जनरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको दिया गया अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, यहाँ से आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, ये सारा चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करना है, ना ही जेंडर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है। नाम और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे यस करना है। गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यू हैव सेलेक्टेड नेम, डेट ऑफ बर्थ, डाटा फिलेड टू अपडेट। यहाँ पे आप नाम को पूरी ज़िंदगी में 2 बार चेंज करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को 1 बार चेंज करवा सकते हैं, जेंडर को 1 बार चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से अपडेट का रिक्वेस्ट मत डालिए, आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है आपको। यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ किसके लिए क्या है, यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, लिंक भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप चेक कर लेंगे। ठीक है, यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक बटन दिख रहा होगा, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर चुके हैं। तो यहाँ पे नाम अपडेट करने के लिए देखिए, पहले जो नाम हमारा था अनंत कुमार आ रहा है, नाम सही है। तो अभी जो चेंज करवाना चाहते हैं वो नाम आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर अभी नाम डाल देते हैं अनंत, एंड लास्ट में डालेंगे कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुमार डाल देते हैं, अनंत कुमार। ओके गाइस, यहाँ पे बीच में स्पेस दे दीजिए ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन सा देना है। तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वैलिड प्रूफ के लिए जाने जाते हैं, जिसे दे करके आप अपना नाम को चेंज करवा सकते हैं। सो यहाँ पर आप पैन कार्ड भी चूज कर सकते हैं, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर अब दिया गया है। ओके गाइस, फ़ोटो, क्रेडिट कार्ड, फ़ोटो बैंक, ए टी एम कार्ड से भी आप अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिला है तो वहाँ से भी चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड चूज कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड कर देना होगा, जैसे कि हमें अभी अपलोड पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है DOB, यहाँ पर DOB क्या सही करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डालना होगा।
तो जो हमारा डीओ भी सही करवाना है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो 2001, ठीक है। अब मैंने वैलिड डीओ भी यहाँ पे चिपका दिया है। अब यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, एसएलसी लगाना है तो स्कूल से ये मिल जाएगा, स्कूल से आप एसएलसी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एसएलसी की तरह, एसएलसी तो स्कूल से कटती है 10th 8 की, और उसके बाद एक आपको फॉर्म मिलेगा, वो सर्टिफिकेट होता है, उस पर मुहर मारा जाएगा आपके स्कूल से। बर्थ सर्टिफिकेट है तो, पैन कार्ड है तो लगा सकते हैं, मार्कशीट है तो लगा सकते हैं, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई और है तो लगा सकते हैं, पेंशन वाला है कुछ भी है तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपना पैन कार्ड लगाएंगे जो भी आपके पास है। तो यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड लगा दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, यहाँ पर प्रीव्यू कर लेंगे कि आपका सारा डेटा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सारा डेटा सही है। कैप्चा पे यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हियर बाय कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हियर बाय कन्फर्म के बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ओके गाइस, इसके आगे मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसके आगे मैंने रिसेंटली अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाया है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर मैं छेड़छाड़ करता हूँ अपना पर्सनल डाटा के साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे सारा डेटा अगर सही लग रहा है, आपका पैन कार्ड सही है, प्रूफ सही है, तो यहाँ पे आप कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मेक पेमेंट करेंगे, यूपीआई, भीम, पेटीएम, जिससे आप भी करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेता हूँ, BTA7, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका आधार में कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा। फिर से मेरा ओटीपी आ चुका है और मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा, जो ओटीपी है हमारा वो यहाँ पे इनकरेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो इस कारण से हमारा जो OTP आया था 1796.05 और मैंने कुछ और डाल दिया था, इस कारण से ये कैंसिल हो चुका है। तो ध्यान देना है आपको कि OTP गलत ना हो। उसके बाद आपको पेमेंट कर लेना है, पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट मिलेगी और उस रिसिप्ट से आप चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए वैलिड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पासपोर्ट, पैन कार्ड, अगर POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नाम अपडेट करवाना है या फ़ोटो अपडेट करवाना है तो आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। जो भी अपडेट कराना है उसका प्रूफ दिया गया है, आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद ये एक फॉर्म आता है, तो ये फॉर्म प्रिंट करके नहीं आपको लाना है, ओरिजिनल फॉर्म रहेगा तभी आपका अपडेट होगा, ठीक है। ये एक ओरिजिनल फॉर्म है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर सेव कर लीजिए, ठीक है गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।